हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है इनका एक काबिले फख्र जज है। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए जजेस की दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं राजा सहीकरम साहब का दिली तौर पे बहुत रिगार्ड करता हूँ और बहुत अच्छे मरतबे आदमी है, और हमें यकीन था कि ये इस तरह की जो क्राइसिस सूरत हाल होती है, देखिए 2 महीने 4 महीने आगे पीछे ये इससे कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उससे लोग कह रहे थे कि अमेंडमेंट का जहाँ तक तल्ले था वो अमेंडमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ उसका लेना देना ही नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का मैंने कई जगहों पर यह जिक्र किया कि हमारी मायानाज अदालतों ने तो हमें माउनत की, सच्ची बात यह है कि लोग स्टे ले लेते हैं अब खाम खा जाकर। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने हमेशा ये कहा कि जी गवर्नमेंट को जहाँ पे इश्यू हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अगर मसाइल खड़े करेंगे तो फिर सिस्टम जाम हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस साहब और तमाम जितने हमारे रिस्पेक्टेबल जजिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट वज़ीर आज़म समेत सदर रियासत समेत उनका दिली तौर पर हम इंतहा रिगार्ड करते हैं। उनका काम में हमें कोई किसी किस्म की हमारी कोई दो राय या उनके काम के हवाले से कभी मसला पेश दरपेश ही नहीं हुआ। हमने हमेशा कहा, मैं जब यहाँ बल्कि एज ए मिनिस्टर भी आया तो मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया यहाँ पे अदालत में, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी हमें आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। तो गुजारिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इंतहा काबिल फख्र हमारे लिए, जजेस का मैंने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसकी तारीख में आपके बशारत शेख साहब जैसे जज आज भी आप में से हर आदमी उनका एहतराम से नाम नहीं लेता, जो लोग काबिल कदर और काबिल फख्र हुआ करते हैं, और इसी तरह हमारे जो लोग मौजूदा लोग हैं ये इंतहा काबिल फख्र लोग हैं।